बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मोमिनों को दोज़ख़ से निजात मिल जाएगी तो इन्हें एक पुल पर जो जन्नत और दोज़ख़ के दरमियान होगा रोक लिया जाएगा और वहीं इनके मुजालिम का बदला दे दिया जाएगा जो वो दुनिया में बाहम करते थे। फिर जब वो पाक साफ हो जाएंगे तो इन्हें जन्नत में दाखिले की इजाज़त दे दी जाएगी। इस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मोहम्मद की जान है, इनमें से हर शख्स अपने जन्नत के घर को अपने दुनिया के घर से भी बेहतर तौर पर पहचानेगा। सही बुखारी की यह हदीस थी जो मैंने आज आपके साथ शेयर की, और इसी के साथ मैं आज की वीडियो शुरू करती हूँ। आज हमारे घर दावत है और उसके लिए मैं बना रही हूँ बीफ की बिरयानी। बम्बई बिरयानी की रेसिपी है तकरीबन ये ऐसे ही ऑलमोस्ट। तो इसके लिए मैंने मसाला बना रही हूँ, उसमें मैंने ज़ीरा लिया है, लौंग ली है, काली मिर्चें, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, बादियान के फूल, जायफल, जावित्री और एक टुकड़ा लौंग का जाएगा। तकरीबन इसमें एक बड़ा टेबल स्पून जो है वो ज़ीरा था और एक टेबल स्पून के बराबर काली मिर्चें थीं और आधा टेबल स्पून जो है वो लौंग थी और बाकी दो दो तीन तीन दाने जो थी वो छोटी इलायची, बड़ी इलायची। ये मैं गरम मसाला, और मैं ये क्वांटिटी ज़्यादा ले रही हूँ क्योंकि मेरे तकरीबन 5-5.5 कप जो चाय वाला कप होता है मैं उसके चावल बनाऊँगी। तो गोश्त भी मेरा 2 किलो जो है वो गोश्त होगा उसमें, और तकरीबन ये 6 कप तक चावल बनेंगे, इसीलिए मैंने गरम मसाला जो है वो टेबल स्पून में जो है वो मैंने लिए हैं, मेजर किए हैं। तो जब मैं इसको कम बना रही होती हूँ, जैसे मैं तकरीबन 3 कप बना रही होती हूँ या 2-2.5 कप बना रही होती हूँ, तब मैं टीस्पून के हिसाब से उसको मेजर करती हूँ, उसी हिसाब से मैं थोड़ा सा उसको कम कर देती हूँ। तो सबसे पहले मैं बिरयानी के मसाले की प्रिपरेशन करूँगी और मैं इसको बिल्कुल रेडी कर दूँगी। तो मसाला जो है ये मेरा गरम मसाला जो बिरयानी का था को मैंने पीस लिया। अब इसके अंदर जो है वो मैं बाकी मसाले बना डालूंगी। तो इसके अंदर मैंने जो है वो सुरख मिर्चें डाली तकरीबन 1.5 के बराबर जो है वो मैंने, ये मेरा टीस्पून था, बहुत बड़ा चम्मच नहीं है, बहुत छोटा भी नहीं है, ज़रा नॉर्मल साइज़ का जो चम्मच होता है वो डाला। और मैंने इसके अंदर पेपरिका पाउडर भी डाला। पेपरिका का तो कलर मुझे बहुत अच्छा लगता है खाने में, हर चीज़ में मैं पेपरिका ज़रूर डालती हूँ कलर की वजह से। तो मिर्चें उसकी नहीं होती हैं लेकिन कलर उसका बहुत अच्छा आता है। नमक भी मैं इसके अंदर डालूंगी क्योंकि ये मैं अपना मसाला खुद ही बना रही हूँ, इसलिए इसके अंदर नमक, सुरख मिर्चें, पेपरिका, हल्दी, ये सारी चीज़ें मैं इसके अंदर डाल के इस मसाले को सबसे पहले रेडी करके रख दूंगी। नमक भी मैंने तकरीबन 1.5 डाला, हल्दी भी जो है वो मैंने 2 चम्मच डाली, सुरख मिर्चों का भी तकरीबन 2 चम्मच ही हो गया पेपरिका और लाल मिर्चें मिला के, तो 2-2 चम्मच मैंने सारी चीज़ें डाल दी, उसको एक दफ़ा मिक्स कर दिया सारी चीज़ों को। इसके अंदर साबुत गरम मसाले भी डल सकते हैं फ्राई करते हुए, लेकिन वो मैं ज़्यादा नहीं डालूंगी क्योंकि वो फिर मेरे हस्बैंड को ज़्यादा पसंद नहीं है कि वो सारी साबुत गरम मसाले, वो कहते हैं कि मुझे चुनने पड़ते हैं बीच में से खाने में से, तो मुश्किल होती है, तो इसलिए मैं साबुत गरम मसालों का इस्तेमाल ज़्यादा नहीं करूँगी, थोड़ा सा ही करूँगी। मैंने प्याज फ्राई किया और प्याज मैंने ब्राउन करने के बाद थोड़ा सा उसके अंदर यही गरम मसाला, लौंग और काली मिर्चें और जो पत्ता होता है वो मैंने डाल दिया, और उसके बाद मैंने 4-5 टमाटर काटे थे, उसको मैं अच्छी तरह से जो है वो मिक्स कर दूंगी। अच्छा, मेरे पास गोश्त फ़िलहाल जो है वो बिल्कुल फ्रीज़ हुआ हुआ है, तो जब मेरे पास अगर गोश्त जैसे डिफ्रॉस्ट हुआ हुआ होता है तो मैं उसको प्याज के साथ डाल के फ्राई कर लेती हूँ, लेकिन इस टाइम पे जो है वो मैं नहीं डाल रही अभी। तो मैंने इसके अंदर जो अपना मसाला डाला था वो मैंने डाला, और शान का बम्बई बिरयानी मसाला का मैंने आधा पैकेट इसके अंदर डाला है। अगर मेरे चावल जो है वो कम होते तो मैं इसके अंदर बाकी बाहर का मसाला नहीं डालने वाली थी, लेकिन ये है कि मेरे चावल ज़्यादा हैं तो अच्छा फ्लेवर आना चाहिए। और तकरीबन 1 कप, हाँ तकरीबन 1 कप जो है वो मैंने इसके अंदर दही डाली है। अब मैं सारी चीज़ें मिक्स करने के बाद इसके अंदर गोश्त डाल के और बस इसको वेट लगा दूंगी पानी डाल के, लेकिन इन केस अगर जैसे मेरा गोश्त डिफ्रॉस्ट होता है तो मैं उसको प्याज के साथ डाल के फ्राई करती हूँ लहसुन अदरक के साथ, और फिर मैं इसके अंदर बाकी चीज़ें डालती हूँ, लेकिन इस उसमें जब तक मेरे पास फ्रीज है मैं उसको ऐसे भी फ्राई नहीं कर सकती, इसलिए मैं सब कुछ इकट्ठा डाल के इसको वेट लगा दूंगी। तो बस इसमें मैंने पानी डालना है और पानी डाल के मैं इसको तकरीबन 15-20 मिनट इसको वेट दूंगी, और इसके बाद ये प्रिपरेशन मैंने एक दिन पहले कर ली है रात के टाइम पर, तो मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी। फिर सुबह नेक्स्ट टाइम जिस दिन दावत है उस दिन मैं इसको निकालूंगी। ये बिल्कुल मैंने निकाला और बिल्कुल फ्रीज़ हो चुका था क्योंकि मैंने जिस फ्रिज में रखा था वो बिल्कुल ठंडा जमा देता है, तो मैंने इसको रात को बना के गोश्त को मैंने रख दिया था फ्रिज में। तो नेक्स्ट डे की ये वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ जो मैंने रात को प्रिपरेशन की थी। अब मैं इसको डाल के गर्म करूँगी, जो इसके अंदर एक्स्ट्रा पानी होगा उसको खुश्क कर लूँगी,
और साथ ही जो है वो मैंने चावल भी बॉईल कर लिए थे नमक के साथ, और थोड़े से मैंने उसके अंदर भी गरम मसाले डाला था, ज़ीरा डाला था, लौंग, दालचीनी और बादियान की फूली, मैंने थोड़ी सी चीज़ें डाल के उसको चावलों को मैंने बॉईल कर दिया था। तो यहाँ पे ये हो चुका है, इसके अंदर मैंने सब्ज़ मिर्चें जो है वो ऊपर डाल दी हैं, चावल भी बिल्कुल मेरे बॉयल हो चुके हैं, पूरे मैंने कंप्लीट बॉयल नहीं किए क्योंकि मैं दम पे बहुत ज़्यादा देर, तकरीबन मैं आधा घंटा दम पे रखती हूँ। तो मैंने बिरयानी में चावल डाले और इसके ऊपर जो है वो प्याज़ मैंने फ्राइड अनियन डाल दिया थोड़ा सा, क्योंकि मैं वैसे अंदर जो है वो प्याज़ कम ही डालती हूँ, वरना मसाला बहुत जो है वो थिक सा मसाला हो जाता है, तो वो मुझे वैसे नहीं अच्छा लगता, इसलिए मैं प्याज़ वैसे फ्राई करते हुए कम ही डालती हूँ। लेमन जूस मैंने मसाले के अंदर भी, जब मैंने खोला था कुकर, मैंने खोला था ढकना, तब मैं थोड़ा सा लेमन जूस उसमें डाला था, और अभी ऊपर से भी मैं इसके ऊपर लेमन जूस डाल दूंगी। और फूड कलर के लिए जो है वो मैं दो कलर मिक्स करती हूँ, थोड़ा सा येलो कलर डालती हूँ, थोड़ा सा ऑरेंज कलर डालती हूँ, कभी कभार रेड होता है तो थोड़ा सा रेड कलर भी मैं डाल देती हूँ। तो मेरे पास आज रेड नहीं है, इसलिए मैं सिर्फ ऑरेंज और येलो कलर डाल रही हूँ इस पर। और बस इस बिरयानी को मैंने करके थोड़ा सा मैं इसको फ़िलहाल तेज़ पे करूँगी ताकि अंदर स्टीम उसकी बन जाए, उसके बाद मैं इसको लो पे करके तकरीबन आधा घंटा इसको मैं बनाऊँगी, थोड़ा सा ऊपर ऑयल भी डाल के, क्योंकि वो ज़रा अच्छी उसकी वो आ जाती है, कहीं अंदर कहीं कम हो कुछ हो तो वो अच्छा सेट हो जाता है। तो ये बस बिरयानी तो मेरी रेडी हो चुकी है, बीफ की बिरयानी मैंने बनाई थी इस दफ़ा, तो ये डन हो चुकी है। ठीक है, इसको मैं आधा घंटा तकरीबन दम पे रखूँगी। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं मीठे की तरफ। मीठा भी मैंने एक दिन पहले बना के रखा था, तो इसके लिए मैंने क्या किया कि एक डिश में मैंने जेली, जो मेरे पास ऑरेंज जेली थी वो मैंने जमाई, और उसके ऊपर मैंने ये केक लिया था। तो ये मीठा मैं क्या बना रही हूँ, मीठा मैं बना रही हूँ ट्राइफल जैसा ही है, लेकिन थोड़ा सा ये है कि जैसे ट्राइफल में नीचे जली नहीं लगाते, ऊपर जली आ जाती है, तो थोड़ा सा जो है वो इसके अंदर ये मैंने चेंज किया कि मैंने नीचे पहले जली की लेयर लगाई, उसके ऊपर केक जो है वो मैं जब जली जम गई तब मैंने उसके ऊपर ये केक काट के रखा है, केक के स्लाइसेस। और इसके बाद मैं इसके ऊपर, मेरे पास पाइनएप्पल का टिन था और वो जो है मैं उसके ऊपर पाइनएप्पल डालूंगी, जूस के साथ डालूंगी, जूस भी केक के ऊपर और पाइनएप्पल भी। और इस दफ़ा जो मैंने वीडियो है बिल्कुल उससे बनाई है, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने जब वीडियो बनाई थी तो मैं उसी हिसाब से मैंने अपलोड की थी, जिस हिसाब से मैंने काम किए थे, जैसे जो मैंने प्रिपरेशन रात को की थी वो सारी दिखाई थी, फिर नेक्स्ट डे जो मैंने किया, लेकिन उसमें बहुत सारे लोग जो थे वो कंफ्यूज भी हो रहे थे, वो कह रहे थे कि सारी रेसिपीज़ उल्टी पुल्टी हो गई, इसलिए इस दफ़ा मैंने यही किया कि मैं रेसिपी के हिसाब से वीडियो मैंने बनाई है, तो जबकि मैंने ये मीठे की प्रिपरेशन पहले ही कर दी थी। तो पाइनएप्पल डालने के बाद, इसके बाद मैंने कस्टर्ड बनाया हुआ था, और मेरे पास ये वनीला फ्लेवर का कस्टर्ड था, तो ये मैंने इसके ऊपर, कस्टर्ड ठंडा हो चुका था मेरा तो ये मैंने इसके ऊपर डाला था, क्योंकि नीचे जली भी थी तो मैं इसके ऊपर गरम नहीं डालना चाह रही थी। और फिर इसके ऊपर थोड़े से जो है वो मेरे पास कटे हुए पाइनएप्पल थे, वो मैंने थोड़े से इसके ऊपर डाल दिए, जूस नहीं डाल रही ख्याल ख्याल से, क्योंकि बिल्कुल पानी पानी ना हो जाए सारा, तो ये मैंने इसके ऊपर डाला। रेसिपी वैसे मैंने पाइनएप्पल डिलाइट की देखी थी, लेकिन उसमें ये था कि उसमें कस्टर्ड नहीं था, उसमें सिर्फ व्हिपिंग क्रीम और कंडेंस मिल्क था, तो थोड़ा सा जो है वो मैंने इसके अंदर कस्टर्ड भी डाल दिया। अब इसकी जो है वो टॉप लेयर के लिए मैंने व्हिपिंग क्रीम ली है, उसको मैं बहुत अच्छे से जो है वो व्हिप कर दूंगी। इसके अंदर कंडेंस मिल्क मैं डाल रही हूँ, वैसे नॉर्मली चीनी डालती हूँ, इस दफ़ा मैं कंडेंस मिल्क, तकरीबन मेरा ये आधा टिन जो है वो गया है व्हिपिंग क्रीम के अंदर, तो अच्छी तरह से जो है वो मैं इसको व्हिप करके और कस्टर्ड के ऊपर जो है वो मैं इसकी लेयर लगा दूंगी, बिल्कुल थिक जो है वो हो, क्योंकि ताकि आराम से बिल्कुल जो है वो लग जाए, तो कंडेंस मिल्क की वजह से उसका टेक्सचर भी ज़रा और अच्छा हो गया, वरना व्हिपिंग क्रीम जब व्हिप हो जाए तो वो लगाना बहुत फिर मुश्किल हो रही होती है। तो ये इसके ऊपर लग गई, और अब मैं बस एक स्पैचुला से इसको बिल्कुल जो है वो लेवल कर दूंगी। और इसके बाद मैंने बनाई थी स्ट्रॉबेरी की जेली, और मैं ज़्यादा प्रेजेंटेशन में, डेकोरेशन में बहुत बुरी हूँ, क्योंकि मुझसे बिल्कुल प्रेजेंटेशन डेकोरेशन नहीं होती है,
तो मैं कोशिश पता नहीं कुछ कर रही थी लेकिन समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि मैंने पहले से दिमाग में नहीं सोचा था कि मैंने कैसी प्रेजेंटेशन करनी है। तो खैर जैसी भी प्रेजेंटेशन हो जाए, वो कलरफुल सा ही लग रहा था तो अच्छा ही लग रहा था। तो जेली मैंने जमाई थी और इसके बाद मैंने उसको काटा और बस पूरा मैंने उसके ऊपर उसको स्प्रेड कर दिया जेली को। मेरा मूड था, मेरे पास बनाना जेली भी नहीं थी, लेकिन अगर होती तो जैसे वो बहुत कलरफुल सा बनाना की वो ग्रीन और ये स्ट्रॉबेरी वाली रेड जितनी तरह की कलर मिक्स हो जाए तो वो बहुत ज़्यादा प्यारा कलरफुल लगता है। फ्रूट भी बेशक डाल सकते हैं, केले वगैरह, लेकिन वो केले नीचे डालने पड़ते हैं क्योंकि अगर मैं ऊपर डालती तो वो ब्लैक हो जाते हैं। तो मैंने ये डाले और इसके बाद थोड़े से पाइनएप्पल मेरे पास जो टिन में थे, क्योंकि मैंने थोड़ी सी लेयर्स भी की लगाई थी, तो बस ऊपर जो है वो मैंने इसके पाइनएप्पल लगाया। और इसके बाद मैंने ये सोचा था कि मैं नेक्स्ट डे पे बस इसको निकाल के उसके ऊपर ड्राई फ्रूट वगैरह डाल के कर दूंगी, क्योंकि लास्ट टाइम ही मैंने किया था तो वो ड्राई फ्रूट बादाम पिस्ता उसके ऊपर बहुत मज़े का लगता है। तो वो मैंने फ़िलहाल तो अभी इसको ऐसे ही फ्रिज में रख दिया। नेक्स्ट डे मैंने कहा था करूँगी, लेकिन नेक्स्ट डे इतना काम था, इतनी हल्ला हबड़ दबड़ में जो है वो मैंने वो मुझसे रह ही गया। तो ये है, कस्टर्ड रेडी हो चुका है। ऐसे नीचे जेली की लेयर है, केक है, कस्टर्ड है, विपिंग क्रीम है, तो ट्राइफल, फ्रूट ट्राइफल कस्टर्ड जैसे जो भी इसका नाम हो वो रेडी हो चुका है। अब इसके साथ नेक्स्ट जो प्रिपरेशन मैं कर रही हूँ वो कर रही हूँ कीमे की सीख कबाब बनाने की। और सीख कबाब की वीडियो मैं बहुत दफ़ा आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, इसलिए मैं बहुत डिटेल में जो है वो इसकी वीडियो नहीं बताऊंगी। मैं भी कीमा सिर्फ आधा किलो जो कीमा है उस पर मसाला लगा रही हूँ, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी फ्रीज पड़ा हुआ है मसाला। अक्सर ये होता है कि मैं मसाला लगा के उसको रख देती हूँ, तो वो मेरे पास पहले का पड़ा हुआ था मसाला, 1 किलो तकरीबन मसाला वो था, और आधा किलो मैं और लगा रही हूँ। तो इसके लिए मैंने जो है वो प्याज लिया और उसमें कीमा डाला, बेसन डाला, थोड़ा सा मैंने बटर डाल दिया, लजीज़ा का सीख कबाब का मसाला था वो मैंने डाल दिया, और इसको बस कीमे को मैं चॉप कर दूंगी और जो मेरे पास पहले का मसाला बना हुआ है उसके अंदर उसको मिक्स करके इसको भी मैं जो है वो रात फ्रिज में छोड़ दूंगी, क्योंकि अच्छी तरह से थोड़ा सा सेट हो जाइए। और धनिया पुदीना भी पहले वाले मसाले में ऑलरेडी बहुत था, इसलिए मैं इसके अंदर इतना नहीं डाल रही धनिया सब्ज़ मिर्चे वगैरह, बस इसको डाल के अच्छी तरह से जो है वो बस मिक्स करके और इसको मैं फ्रिज में रख दूंगी। तो अब ये जो है वो मैंने फ्रिज से निकाला, अब ये नेक्स्ट डे की वीडियो है, जब मैंने इसको रात भर फ्रिज में रखा और इसको मैंने नेक्स्ट डे फ्रिज से निकाला है। तो आज मैं भी इसके कबाब बनाऊंगी, सीख कबाब मैं इसके फ्राई करूंगी पैन में, और हाथों पे ऑयल लगा के उसके कबाब बना के उसको मैं फ्राई कर लूँगी। और इसके साथ जो है वो मैं बनाऊंगी इसकी कढ़ाई का मसाला। कढ़ाई का मसाला भी मैं शेयर कर चुकी थी पिछली वीडियो में, मसाले सिंपल हुए वही मसाले थे, सुरख मिर्चें, कुटी हुई सुरख मिर्चें, पेपरिका, धनिया, ज़ीरा, हल्दी, थोड़ा सा गरम मसाला, तो ये सारे मसाले जो है वो मैं इसके अंदर मिक्स करके, और टमाटरों के साथ टमाटर मैंने अच्छी तरह से जो है वो भून लिए थे, ये सारे मसाले डाल दूंगी। और एंड में कबाब भी मैंने फ्राई कर चुकी हूँ, बस एंड में जो है वो मैं इसके अंदर कबाब डाल के थोड़ा सा पानी इसके अंदर छोड़ूंगी, क्योंकि दावत में भी स्टिल 2-3 घंटे हैं तो वो ये होता है कि बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाता है। तो ये बस रेडी करके और इसको भी मैं रख दूंगी, लेकिन अभी मैं इसको डिश आउट नहीं कर रही अभी से, क्योंकि मुझे ये होता है कि इसको थोड़ा सा चूल्हे पे ही मैं बाद में भी गर्म करूँ, कि अगर मुझे पानी डालने की ज़रूरत हो तो वो मैं कर सकूँ आराम से। कबाब भी मैंने डाल दिए, ज़्यादा चम्मच नहीं चला रही, मेरे कबाब इस दफ़ा बहुत सॉफ्ट बने हैं। मैंने ब्रेड का स्लाइस, क्योंकि मुझसे ये हुआ कि मैंने जो पहले से कबाब का मसाला बनाया था उसमें भी मेरा ब्रेड का स्लाइस था, और जो मैंने कल रात बनाया उसमें भी मैंने ब्रेड का स्लाइस डाला तो वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो गए थे। हालांकि मैंने बेसन डाल दिया था फिर भी, लेकिन डबल डबल में वो जो है वो बहुत नरम बन गए थे। अच्छा, यहाँ पे अब जो है वो मैं पाए की तैयारी कर रही हूँ। पाए की वीडियो भी मैं आपके साथ पहले शेयर कर चुकी हूँ, वो भी मेरी बहुत सिंपल रेसिपी है। प्याज को मैं फ्राई करती हूँ, उसके अंदर मैं पाए डाल देती हूँ, और सारे मसाले जो हैं वो सब इकट्ठे, दही डाल दी, हल्दी, धनिया, ज़ीरा, गरम मसाला और सुरख मिर्चें, सिंपल बस मेरे यही मसाले हैं, इनके साथ मैंने इसको सारी रात पकाया है, और एंड में मैंने बस इसके ऊपर भुना हुआ धनिया और ज़ीरा डाल दिया, उसका मैंने पाउडर बना दिया था वो डाल दिया था, बस वो पाए भी रेडी हो चुके। और यहाँ पे ये नमकीन गोश्त है, नमकीन गोश्त के लिए मैंने गोश्त मटन लिया और 1 किलो मटन लिया, उसकी मैंने यखनी बनाई काली मिर्चों के साथ और लहसुन अदरक के साथ नमक डाल के,
और अब मैंने जो है वो उसको ऑयल में फ्राई किया थोड़े से लहसुन अदरक के साथ, उसके अंदर मैंने सब्ज़ मिर्चें डाल दी और पिसी हुई काली मिर्चें डाल दी और थोड़ा सा नमक डाल दिया। वैसे तो नमकीन गोश्त में कहते हैं सब्ज़ मिर्ची नहीं होती, सिर्फ नमकीन गोश्त होता है, लेकिन हमारे यहाँ मिर्चें खा इतनी खाई जाती हैं कि मैंने इसके अंदर भी सब्ज़ मिर्चें डाली हैं। लेमन जूस डाला और थोड़ी सी जो यखनी बनाई हुई थी तो वो भी डाल के इसको भी मैं थोड़ी देर के लिए इसे भी पका लूँगी हल्का सा ज़रा, और सब्ज़ मिर्चों का और बाकी चीज़ों का फ्लेवर जो है वो इसमें आ जाए। तो इसमें ज़्यादा इतने मसाले नहीं हैं। खाना मेरा ऑलमोस्ट सारा रेडी हो चुका है। पाए को भी मैंने पूरी रात पकाया हुआ था, और ये वाला मसाला जो मैं आपको भी दिखा रही थी कि ये धनिया ज़ीरा पाउडर है मैंने बनाया है, इसको मैंने धनिए को भुना, ज़ीरे को भुना और फिर इसका मैंने पाउडर बना लिया। तो ये मैंने पाए पे भी डाला और मैंने नमकीन गोश्त पे भी जो है वो मैंने इस मसाले को डाल दिया। तो खाने सारे रेडी हो चुके हैं बिल्कुल, एंड दावत का टाइम है और यहाँ पे जो है वो मैं एक बना रही हूँ हलवा, मखंडी हलवा जैसा होता है, तो मुझसे बहुत परफेक्ट कभी भी नहीं बनता मखंडी हलवा, लेकिन मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है, मैं जैसा भी बनाती हूँ तो उनको ये हलवा बहुत पसंद है। तो ये मैंने सूजी भी भिगो के रखी थी, बाकी मैं काम कर रही थी तो मैंने दूध में जो है वो इसको 1 कप सूजी थी और तकरीबन 2 कप दूध था, और मैंने इसको भिगो के रख दिया था। तो अभी मैं जो है वो उसका कैरेमल बनाऊंगी, जो चीनी हमने वो ब्राउन करनी होती है वो मैं बनाऊंगी। मैंने ऑयल में थोड़ी सी जो है वो इलायची डाली, बटर भी डाल सकते थे लेकिन मैंने पता नहीं, क्योंकि बिल्कुल आखिरी टाइम था, एक दो में बस 1 घंटा ही रह गया था सबके आने में, और बिल्कुल मैंने लास्ट मोमेंट पे भी बनाया। तो मैंने इसके अंदर जो है, हमारे यहाँ की चीनी बहुत पतली होती है, बारीक होती है, वरना 1 कप सूजी है तो 1 कप चीनी काफ़ी थी, लेकिन हमारी इधर की नमक भी चीनी बहुत ज़्यादा फीका होता है, तो मैंने इसके अंदर जो है वो 2 कप जो है चीनी डाली है, और इसको मैं बस अच्छी तरीके से मिक्स करूँगी ताकि ये मेल्ट हो जाए और इसका कैरेमल बन जाएगा। और चीनी बिल्कुल हल हो चुकी है, उसका कलर भी बहुत अच्छा जो है वो हो चुका है। अब बस इसके अंदर जो मैंने सूजी भिगोई थी वो मैं इसके अंदर डाल दूंगी और इसको मिक्स करना है, जो ये कैरेमल सा बना हुआ है इसको अच्छी तरीके से मिक्स करें। थोड़ा सा पानी भी मैंने इसके अंदर डाला, हालांकि मुझे बाद में मेरी फ्रेंड ने बताया जो आई थी हमारे घर, उन्होंने ये कहा था कि इसके अंदर पानी नहीं डालना चाहिए बिल्कुल, ताकि वो बिल्कुल अच्छे तरीके से उसका टेक्सचर बने, लेकिन मैंने इसके अंदर पानी भी डाल दिया था और उसको जो है वो मैंने फिर बस उसको भुनना होता है, इसका सिर्फ ये काम है कि इसको बहुत भुनना पड़ता है, हाथ की से ही एक्सरसाइज हो जाती है, तो बस इसको भुनते रहो ताकि ये चीनी भी इसके अंदर मिक्स हो जाए, कलर भी इसका आ जाए, ऑयल भी निकल आए अच्छी तरह से, ये इसका टेक्सचर भी अच्छा हो जाए। तो इसमें भुनाई का बहुत काम है। तो तकरीबन मुझे आधे घंटे से ज़्यादा ही लगा किसके साथ, हलवे के साथ, और मैं बहुत सबसे ज़्यादा टाइम मेरा किसी चीज़ खाने पे नहीं लगा, सिर्फ इस हलवे पे लगा। तो उसको मैं बस भूनती रही और बनाती रही, तो ये हलवा मेरा रेडी हो चुका था। बहुत ज़्यादा जो है वो उसकी मैंने भुनाई की, आखिर में बस इसके ऊपर मैंने पिस्ते, बादाम, काजू, ये चीज़ें मैंने डाल के और इसकी डेकोरेशन कर दी। तो ये हलवा जो है रेडी हो चुका है, अब बस सब कुछ रेडी है, नान भी बन चुके और नमकीन गोश्त, सीख कबाब की कढ़ाई, बिरयानी, पाए, सैलेड। तो आई होप आपने आज की वीडियो एंजॉय की होगी। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखें और दुआ में ज़रूर याद रखें। अल्लाह हाफिज़।